आजकल बाजार में इतने मिलावटी घी मिलते हैं, क्यों ना घर पर ही देसी घी बनाएं। हेलो गाइस, वेलकम टू इजी टू मेक डिज़ाइंस। तो आइए चलिए मलाई से घी बनाना शुरू करते हैं। मलाई को एक बड़े भिगोने में निकालकर इसे 2-3 मिनट तक गाढ़ा होने तक फेंट लें। घी बनाने के लिए हमने 5-6 दिन की कटी की हुई मलाई ली है। इसे हमने घी बनाने से 15 मिनट पहले ही फ्रिज से बाहर रख दिया था। जब मलाई गाढ़ी होने लगे तो 1 बड़ा चम्मच ठंडा पानी डालकर फिर चलाएं। अगर अब भी ये गाढ़ा लगे तो 1 बड़ा चम्मच पानी और डाल के जल्दी जल्दी फेंट लें। अब आप देखेंगे इसमें छाछ और मक्खन अलग होने लगा है। अब छाछ को अलग निकाल दें। अब जो भिगोने में मक्खन है उसमें 1/2 कप पानी और डालकर एक बार फिर छाछ को निकाल दें। ऐसे 1-2 बार दोहराएं। अब इस मक्खन को भारी तली कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दें। अब इस मक्खन को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहें। गर्मियों में मक्खन तैयार करने के लिए मलाई को 15 मिनट पहले निकालें और फेंटते समय चिल्ड पानी का इस्तेमाल करें। और सर्दियों में तैयार करने के लिए मलाई को कम से कम 5-6 घंटे पहले फ्रिज से निकाल दें और फेंटते समय हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें। जब तक घी बनकर तैयार नहीं हो जाता इसे इसी तरह से लगातार चलाते रहें। हमारा घी बनना शुरू हो गया है, घी का कलर आना शुरू हो गया है। ये 6 अलग निकल गया है और घी अलग हो गया है। जब घी छानेंगे 6 बच जाता है, उसे चीनी डाल के भी खा सकते हैं। हमारा घी बनकर तैयार हो गया है, 6 और घी अलग हो गया है। अब इसे थोड़ी देर रख के ठंडा होने के बाद इसे छन्नी से छान लेंगे। देखिए कितना अच्छा 6 भुना है और हमारा ये शुद्ध देसी घी बनकर तैयार है।